आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं विजन 11 ऐप के बारे में। और इस वीडियो में गाइस मैं बताऊंगा कि विजन 11 में पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे हैं। मेरे पास गाइस यहां पे कुछ दोस्तों का कमेंट आया हुआ था, वो गाइस यहां पे बोल रहे थे कि सर मैं यहां पे विजन 11 में पैसे विड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं, तो मेरा जो पैसा गाइस यहां पे विड्रॉ नहीं हो रहा है, मैं गाइस यहां पे परेशान हूं, क्या इसका सलूशन क्या है। तो अगर आप लोग भी विजन 11 से पैसे विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आपका पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है, आप लोग गाइस यहां पे परेशान हैं, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग का विजन 11 में पैसे विड्रॉ होने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद विजन 11 में पैसे विड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखेंगे, मैंने गाइस यहाँ पे विजन 11 को ओपन करके रखा हुआ है। सिंपल गाइस यहाँ पे अपने वॉलेट पे जाएंगे तो मेरे पास गाइस यहाँ पे टोटल बैलेंस जो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि विजन 11 में पैसे विड्रॉ करने से पहले गाइस यहाँ पे आपको अपना KYC करना होता है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना ईमेल आईडी, अपना बैंक अकाउंट, इन सभी चीज़ को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद गाइस आपका पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले वो अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं करते हैं, अपना पैन कार्ड वेरीफाई नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा जो है पैसे विड्रॉ होने में दिक्कत हो रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि विजन 11 में पैसे विड्रॉ करने से पहले आप लोग इन चार चीज़ को वेरीफाई करके रखें, जिससे कि आपका एक बार में पैसा विड्रॉ गाइस यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग का कमेंट था कि मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी सारा चीज़ वेरीफाई है, फिर भी मेरा पैसा विड्रॉ होने में दिक्कत आ रहा है। तो चलिए वीडियो को गाइस, अगर आप लोग का सारा वेरीफाई है फिर भी दिक्कत आ रहा है, इसका क्या सलूशन है। सबसे पहले गाइस यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे गाइस यहाँ पे जाएंगे। जैसे गाइस मैं यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक गाइस यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉवल और एक गाइस यहाँ पे है नॉर्मल विड्रॉवल। मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मल विड्रॉवल गाइस यहाँ पे करते हैं तो इसमें गाइस आपका 24 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें कि आपका 5 से 6 घंटे या 10 घंटे के बाद पैसा मिलता है। और एक होता है गाइस यहाँ पे इंस्टेंट बैंक विड्रॉवल, जिसमें कि आपका 10 रुपये का चार्जेस लगता है, जिसमें कि गाइस आपको इंस्टेंट पैसे मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल में आपका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगता है। ऐसे तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पे विजन 11 को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ कभी भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर आप लोग के साथ दिक्कत आ रहा है पैसे विड्रॉ होने में और आप लोग परेशान हैं, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्या करें कि विजन 11 एप्लीकेशन को, यहाँ पे एप्लीकेशन जो दिख रहा है सिंपल गाइस जी, इस एप्लीकेशन को गाइस यहाँ पे अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे दोबारा से विजन 11 एप्लीकेशन ओपन कर डाउनलोड करेंगे और आप लोग अपना नंबर से लॉगिन करेंगे तो उसके बाद हो सके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो गाइस यहाँ पे नीचे में गाइस आपको यहाँ पे दिखेगा कॉन्टेक्ट अस का दिखेगा, यहाँ पे आप चैट से बात कर सकते हैं। नहीं तो गाइस आपको होम पेज में गाइस यहाँ पे कंपनी का नंबर भी मिलता है, जैसे गाइस यहाँ पे नंबर पे गाइस आप लोग यहाँ पे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से गाइस आप लोग यहाँ पे विजन 11 एप्लीकेशन में अगर आपका पैसे विड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, पैसे विड्रॉ करने में समस्या है, तो आप इस वीडियो को गाइस यहाँ पे देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।